तो रामनवमी को लेकर राम की नगरी में उत्साह है, उमंग है, भक्तों का जोश आसमान पर है। हो भी क्यों ना, कई सालों के बाद ये मौका आया है, इसका इंतजार पूरे देश को था। तो चलिए आपको दिखाते हैं अयोध्या में इस खास महोत्सव को लेकर क्या माहौल है। राम की नगरी का भव्य श्रृंगार, रंग बिरंगी रोशनी से दमक रही है अयोध्या। फूलों से मंदिर की दिव्य सजावट, उस महोत्सव की घड़ी नजदीक आ गई है जिसका राम भक्तों को था इंतजार। इस विशेष घड़ी में प्रभु श्री राम का दर्शन कर भक्त खुद को धन्य कर लेना चाहते हैं, ताकि वर्षों से अधूरी रही उनकी मनोकामना पूरी हो सके। आखिर सैकड़ों वर्षों के बाद अयोध्या में राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। अयोध्या के हर गली मोहल्ले की रौनक बढ़ गई है। भक्तों का रेला जिधर से गुजर रहा है, जोश दोगुना हो जा रहा है। लंबे इंतजार के बाद पहली बार प्रभु श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या में बने भव्य महल में राम नवमी मनाई जाने वाली है। राम नवमी के दिन उत्सव मनाने के लिए राम नगरी को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। अभी से ही प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाने लगा है। अयोध्या में हनुमान गढ़ी से लेकर हर मंदिर की चमक देखते ही बन रही है। भक्तों में उत्साह अपार है, जिधर देखो उधर भक्तों का उल्लास आसमान पर है। हर चेहरे पर अपने आराध्य प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव को लेकर उमंग है। अयोध्या में अभी से आस्था का समंदर उमड़ पड़ा है। हर कोई प्रभु श्री राम के दर्शन कर अपना जीवन सफल कर लेना चाहता है। और चलिए सीधे अयोध्या का ही रुख कर लेते हैं। हमारी सहयोगी शिल्पी सेन वहां पर मौजूद हैं, देवी काली मंदिर में मौजूद हैं, जहां आज महाअष्टमी तो मनाई जा रही है, कल महानवमी की भी भव्य तैयारी है। तो अयोध्या को किस तरह से सजाया संवारा जा रहा है शिल्पी? देखिए, मैं इस समय अयोध्या में राम जन्मभूमि पथ पर हूँ, और जन्मभूमि पथ जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि राम मंदिर की ओर जाने वाला वो पथ है जिस पर अपनी आस्था को लेकर के सैलाब उमड़ता है। करीब रोज रोज ऐसा होता है, लेकिन आज का दिन इसलिए खास है कि कल रामनवमी है और 500 साल की प्रतीक्षा के बाद अपने भव्य मंदिर में रामलला विराजमान हुए हैं और उनकी पहली रामनवमी यानी राम का प्रतीकात्मक जन्म भव्य मंदिर में होगा। लेकिन मैं इस वक्त जहां खड़ी हूं, ये फैसिलिटी सेंटर है, यानी आप कह सकते हैं कि यात्री सुविधा केंद्र है जिसको बनवाया गया है। जो यहाँ दर्शनार्थी आएंगे, जो यहाँ यात्री आएंगे, उनकी सुविधा के लिए आप देखिए जिस तरह से एयरपोर्ट में आपने देखा होगा कि लोगों के बैठने की एक व्यवस्था होती है, इंक्वायरी होती है, वो पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। दो मंजिल इसमें हमको अभी दिखाई पड़ रहे हैं, और पीछे आप देखिए लॉकर्स की व्यवस्था, यानी जो कीमती सामान, मोबाइल, आप अपना पर्स लाएंगे तो यहाँ अगर दर्शन करने के लिए जाएंगे तो उसकी व्यवस्था, रखने की व्यवस्था है। अभी करीब 10,000 लॉकर संचालित हैं ऐसा बताया गया है, और इसकी संख्या और ज्यादा बढ़ने वाली है। इसके अलावा दान अगर आप करना चाहते हैं, अर्पित करना चाहते हैं कुछ, तो उसके लिए भी यहाँ व्यवस्था, काउंटर है, और कोई इंक्वायरी आपकी हो यानी पूछताछ आपको किसी बारे में करनी हो, जानकारी लेनी हो, तो उसकी भी व्यवस्था यहाँ पर है। पूरी तरह से एक जगह पर ही ये सारी चीजें मिले यात्रियों को, इसकी व्यवस्था की गई है। लेकिन इसके बाद देखिए मैं आपको वो भव्य दृश्य दिखाऊंगी जिसकी प्रतीक्षा सबको है, यानी देश और दुनिया में जितने भी राम भक्त हैं, जितने भी लोग राम को मानते हैं, ये दृश्य सीधे अयोध्या से गुड न्यूज टुडे के दर्शकों के लिए, जहां पुष्पों से श्रृंगार के लिए देखिए किस तरह से पुष्प यहां ला करके रखे गए, गेंदे की लड़ियां आपको दिख रही होंगी, और ढेरों ऐसे जो स्पॉट्स हैं जहां पर सजावट की जाएगी, यहीं से पुष्प ले जाकर के उसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। तो बात भी आपसे करते हैं, ये बताइए कि वैसे तो अयोध्या में श्रृंगार होता ही है, लेकिन रामनवमी का अवसर बहुत ही खास है क्योंकि पहली बार
प्रतीक्षा के बाद भव्य मंदिर में राम लला है। पहली बार जो है जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। किस तरह से आप इनका श्रृंगार, आप कहां कहां इनसे श्रृंगार किया जाएगा? हम हालांकि देख रहे हैं कि पीछे भी सजावट जारी है। हाँ, पीछे भी सजावट जारी है। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे भी कट फ्लावर वगैरह बन रहे हैं, इंग्लिश फूल, इम्पोर्टेड फूल जो है ऊपर लग रहे हैं। मंदिर के अंदर भी काम चला है, दो दो गेट बनाए जा रहे हैं और ये जो गैलरी भी बनाई जा रही है। तो ये स्वागत भव्य द्वार तो बने ही है देखिए, लेकिन स्वागत के लिए पुष्पों से भी द्वार तैयार किया जा रहा है, जैसे भव्य होता है स्वागत। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दो गेट बनाए गए हैं, ये गेट नंबर एक, गेट नंबर दो। हाँ। तो गेट नंबर एक, यहाँ से जाने के लिए सीधे एंट्री, फूलों से ही एंट्री होगी मंदिर तक, और मंदिर के अंदर भी काम चल रहा है, वहाँ भी काम पूरा हो चुका है लगभग। जैसे तस्वीरें सामने आई थी ना, देखिए उस वक्त हम लोगों ने देखा था कल की किस तरह से पुष्पों से और श्रृंगार किया जाएगा, किस तरह से लाइटिंग होगी उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। रोशनी से तो राम मंदिर जगमगा ही रहा है, लेकिन पुष्प कहते हैं अर्पित करने के लिए सबसे अच्छा है, तो ऐसे में पुष्पों से जो श्रृंगार है वो यहाँ, अच्छा ये हम यहाँ देख रहे हैं कब तक हो जाएगा ये? आज 12 बजे रात तक फाइनल हो जाएगा।